हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविकांत है और कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम करेंगे सिंपलीफिकेशन का सेकंड पार्ट और देखेंगे कि इसमें जो हमने बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में किए थे और इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, वीडियोस होंगी, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट सिंपलीफिकेशन का। सो इसमें हम बेसिकली बोर्ड मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वी बोर्ड मार्क्स के, वो भी देखेंगे कैसे हम उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो वी बोर्ड मास है, ठीक है, वो आपको क्लियर हो गया होगा कि वी बोर्ड मास क्या होता है। ठीक है, वी से हम सबसे पहले वैंकुलम या बार को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी से हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सेकंड नंबर पे, ठीक है, ब्रैकेट्स में पहले सर्कुलर ब्रैकेट्स आती हैं, फिर कर्ल ब्रैकेट्स आती हैं, फिर लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। O मीन्स ऑफ होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, D से डिवाइड होता है, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। क्लियर है गाइस? ये हमने फर्स्ट पार्ट में डिटेल में किया था कि एक्चुअल में V बोर्ड मास क्या होता है। क्लियर है? सो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सो ब्रैकेट में है 6+6+6+6, ठीक है, फिर क्या है डिवाइड 6। अब यहाँ पे देखो, डिवाइड पहले आता है या पहले ब्रैकेट आती है? सो डिवाइड से पहले यहाँ पे क्या आता है? ब्रैकेट आता है अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास। सो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो ब्रैकेट में क्या है? 6+6+6+6 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? और बाद में क्या है? डिवाइडेड बाय 6। और नीचे यहाँ पे प्लस पहले सॉल्व करेंगे या पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे? सो पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि पहले डिवाइड आता है और बाद में एडिशन आता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 4+4+4+4/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो ये डिवाइड 1 आ जाएगा यहाँ पे। सो ऊपर कितना आ जाएगा? 24/6, यहाँ पे 4+4+4+1। सो नीचे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। क्लियर है? सो ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4/13 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है गाइस कि हमने अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दिस वन। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या है? बार है। सो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? 1-1 कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? 1 माइनस और ये क्या है? सर्कुलर ब्रैकेट। सो 1-0 कितना होगा? यहाँ पे 1 होगा। क्लियर है गाइस? सो आगे क्या है? -1, यहाँ पे क्या है? कर्ल ब्रैकेट। ठीक है, हम यहाँ पे बाहर से स्टार्ट करेंगे और ओलियो हम इसके बाद हम बाहर निकलते रहेंगे। क्लियर है? अंदर से मूव सॉल्व करना क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और हम धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करेंगे। सो आगे क्या है? 1-1 कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? सो यहाँ पे आगे कितना है? -1। यहाँ पे आगे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, हमने कर्ल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, उसके बाद बाहर निकलेंगे। सो आगे क्या है? 1-। सो अगेन बाहर क्या है यहाँ पे? 1-। सो 1-0 कितना होता है? 1 होता है। बाहर कितना पड़ा है यहाँ पे? 1-। सो 1-1 कितना होगा? 0। ये हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा गाइस? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगर सपोज करो आप यहाँ पे एक पार्ट सॉल्व करके पूरा ये सभी एज इट इज़ यहाँ पे नीचे उतारोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना? सो हमने ये बार बार नीचे नहीं उतारना, जस्ट हमने जो पार्ट सॉल्व करना है उससे हम हौले हौले बाहर निकलते रहेंगे, ऐसे हम जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे लिखते रहोगे बार बार तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। क्लियर है? हमने ये पार्ट बार बार नहीं लिखना। ठीक है, सो जो हमने यहाँ पे सॉल्व करना है जस्ट हम उसी पार्ट को यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सो दिस वन। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या है? -3+2 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बाहर क्या है? माइनस। ठीक है, और बाहर क्या है? फिर 5 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 8 है। क्लियर है गाइस? सो नीचे क्या है? 5-3 कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मोड। मोड की क्या खासियत होती है? हमने नंबर सिस्टम पूरा डिटेल में पढ़ा था,
कि मोड में जो भी वैल्यू होगी जब भी बाहर आएगी वो प्लस में आएगी। क्लियर है गाइस? ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, माइनस है। सो माइनस 5 माइनस 8 कितना होगा, माइनस 3 होगा, लेकिन मोड है सो प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है गाइस? सो ये माइनस जो पहले वाला था इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा। आगे क्या है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो 2 माइनस 1 नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे बाद में माइनस सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू वी बोर्ड मास। सो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 पे, सो 8 माइनस 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 5। सो 5 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है गाइस कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। सो हम दोनों मेथड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम, ठीक है, इसको कम वे में, स्मार्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट मेथड क्या है इसमें, कि हम इसमें एलसीएम लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9 बाय 4। आगे क्या है, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 बाय 3 आ जाएगा। माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9 बाय 2। सो यहाँ पे 4, 3, 2 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे एलसीएम 12 आ जाएगा। सो 12 को 4 से डिवाइड करोगे, 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? प्लस 12 को 3 से डिवाइड करोगे, 4, 4 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6, और 9 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा, 54। क्लियर है गाइस? सो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 11 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे माइनस 11 आ जाएगा, नीचे कितना है, 12। सो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? अभी हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं और देखें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 बाय 4 लिख सकते हैं, प्लस आगे क्या है, 1 प्लस 1 बाय 3 है, आगे क्या है, माइनस 4 माइनस 1 बाय 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, सो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर दोनों माइनस में आ जाएंगे। सो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर्स हैं ये, ठीक है, या इंटीजर्स हैं, इनको हम अलग लिख लेंगे, 2 प्लस 1 माइनस 4। क्लियर है? और जो ये फ्रैक्शन में है वैल्यूज, इसको हम अलग लिख लेंगे, प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 2। क्लियर है गाइस? सो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, 3 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 1 प्लस। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4, 3, 2 का 12 आ जाएगा। सो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो थोड़ी लेंथी जा रही थी, ठीक है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो सिंपल हो जाएगी। जैसे 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड करोगे, सॉरी, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गए, 6 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 1 बाई 12। सो यहाँ से 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा, माइनस 11 बाई 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो यानी कि आंसर यहाँ पे सेम आएगा। सो यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है, कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो आपकी बहुत सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है। सो ये ट्रिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो हम लेंथी क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये ट्रिक हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो इसके नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम 1, 2, 4, 7, 14, 28 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम 28 को 1 से डिवाइड करेंगे,
कितना आएगा 28, और ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 को 2 से डिवाइड करेंगे 14, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 आ जाएगा। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 14 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि हम एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, अभी इन सभी को क्या कर दो, आप प्लस कर दो। सो प्लस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और नीचे कितना है 28। सो 28 को 56 पे कैंसिल करेंगे, कितने पे जाएगा ये 2। सो 2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले वी बोर्ड मास क्या आएगा यहाँ पे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं। 3/4 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई टू 8 प्लस 1 9/4, यहाँ पे क्या है ऑफ, ठीक है 2/3 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, एलसीएम आप सॉल्व कर सकते हो लेके, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और नीचे कितना आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 1 10/3 आ जाएगा प्लस 5/6। सो यहाँ पे 6 के साथ 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है गाइस? सो अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास में से डिवाइड से पहले क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, सो हम पहले ये सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 9/4, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 2/3 माइनस, यहाँ पे 1/5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10/3 आ जाएगा प्लस 5/6 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सो सबसे पहले जो इजी ट्रिक है वो क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पे मिनिमाइज करना है। ठीक है, ऊपर नीचे जो भी कैंसिल होंगे वो आप, ठीक है, कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपकी कैलकुलेशन होगी वो लेंथी नहीं जाएगी। सो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 3 से 9 कितने पे कैंसिल होगा 3 पे, 2 पे 4 कितने पे कैंसिल होगा 2 पे। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा माइनस, 5 पे 10 कितने पे कैंसिल होगा ये 2 पे होगा। सो माइनस 2/3 प्लस 5/6 आ जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो डिवाइड है, सो डिवाइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख के आप ये जो 3/2 है इसको आप उल्टा दो, कितना आ जाएगा 2/3 माइनस 2/3 प्लस 5/6 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 2 पे कैंसिल। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। क्लियर है? सो 3 माइनस 4 कितना हो गया यहाँ पे माइनस 1, माइनस 1 प्लस 5 कितना होगा यहाँ पे 4, नीचे क्या है 6। सो ये मिनिमाइज करके क्या आ जाएगा आपका 2/3 इज द आंसर। क्लियर है गाइस? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है। सो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो आप लोगों ने उसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने से क्या होगा, जो कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगी और उसको आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है गाइस? सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस वन। सो यहाँ पे जो ऊपर क्या है 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, सो मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड आता है, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 1/3 डिवाइड है, सो यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको हम अपोजिट चेंज कर देंगे। सो 1/3 यहाँ पे 3/1 आ जाएगा। क्लियर है? सो 1/3 डिवाइडेड बाय, सो यहाँ पे डिवाइड से पहले क्या आता है ऑफ, सो यहाँ पे हम ऑफ सॉल्व करेंगे। 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, सो यहाँ पे क्या है 1/9। क्लियर है गाइस? सो आगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा।
सो यहाँ पे क्या है, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/9 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1/9। सो अगेन यहाँ पे क्या है डिवाइड, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। सो 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9/1 -1/9। सो यहाँ से 3 से 9 कितने पे कैंसिल होगा, 3 पे। सो 1/3 नीचे कितना आ जाएगा, 3/1, यहाँ पे क्या है -1/9। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। क्लियर है गाइस, ये आप लोगों ने याद रखना है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाएगा। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 9 -1/9। सो 1/9 -1/9 आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। सो 0 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो क्या है हमारा क्वेश्चन, 1/2 प्लस 11/2, ठीक है, 111/2, 111/2। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 + 11 + 111 + 111 + सो 1/2 है, इसको हम 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इन चारों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सो कितना आएगा, इनके हम यूनिट डिजिट्स प्लस करेंगे, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 4। आगे टेंथ डिजिट 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3। आगे हम हंड्रेड डिजिट प्लस करेंगे, 1 + 1 = 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, सो ऊपर हम इसको एज इट इज़ प्लस कर देंगे, 1 + 1 + 1 + 1। क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर, 4 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। ये हम सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1/1 स्टेप मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ, ठीक है, पहले समझ में नहीं आता था, ठीक है। हम सभी स्टूडेंट्स को साथ में लेके चलेंगे और देखेंगे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 999995, ठीक है। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, सो हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 999 पहले 999 से क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 999 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 995 इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को, और नीचे 999 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 999, अब 999 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है गाइस। अभी हम इसको शॉर्टकट वे क्या है सॉल्व करने का, 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिख सकते हैं, 999 को 1000 - 1 लिख सकते हैं, सो 995 आ जाएगा। क्लियर है गाइस। सो अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 999 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 3 जीरोज आ जाएंगी, माइनस 999 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 999 आ जाएगा। आगे क्या है, 995 है, इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, सो 999 - 4 आ जाएगा। क्लियर है गाइस। अभी इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 998996, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था इसको सॉल्व करने का, ठीक है, सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे 999, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 999 सिक्स टाइम्स है, और इसको हम पहले अलग लिख लेंगे 999 को। क्लियर है गाइस। सो 999 और 999 प्लस आगे क्या है, फ्रैक्शन 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। सो यहाँ पे देखो 999 कॉमन आ रहा है, सो कॉमन आ रहा है, सो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा। सो ये कितनी टाइम्स है, यहाँ पे 6 टाइम्स है, सो यहाँ पे 6 टाइम्स आप लिख सकते हो। प्लस 7 डिनोमिनेटर में क्या है, सेम है, सो सभी को प्लस करोगे ऊपर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो 999 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 - 1 लिख सकते हो,
प्लस क्या है 3, सो अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 6000 माइनस 6 प्लस 3, क्लियर है गाइस। सो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को सॉल्व करोगे सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6000 माइनस 3 आ जाएगा, और दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5997, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो जितना मर्जी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स पता है, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, सो आप उसको जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सो सबसे पहले बॉड मास का क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कौन सी सर्कुलर ब्रैकेट से, सो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 - 3 कितना होगा 2 होगा, ठीक है, और बाहर क्या है मल्टीप्लाई में 2, सो ब्रैकेट तभी ओपन होगी अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, आगे क्या है -2 + 5 है, यहाँ पे कर्ल ब्रैकेट है, ठीक है, साथ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, मैंने पहले भी ये बताया था आप लोगों को। सो यहाँ पे 5 + 2 क्या आ जाएगा 7, 7 - 4 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे क्या है कर्ल ब्रैकेट बाहर मल्टीप्लाई में क्या है 3 + 2, सो यहाँ पे क्या है +5, सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, सो 9 यहाँ पे क्या आ गए 2, ये क्या आ जाएगा 9, 9 + 2 क्या आ जाएगा 11, 11 + 5, ठीक है, 11 + 5 कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा, क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वेयर ब्रैकेट है, सो बाहर क्या है यहाँ पे 5 है -25, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट थी और यहाँ पे क्या था -10 था, सो यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे वैल्यू थी जो वो थी यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू थी -10 थी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू क्या थी -10, सो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9, 9 + 2 कितना आ जाएगा 11, 11 - 10 कितना आ जाएगा 1, सो स्क्वेयर ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर है गाइस। सो 25 - 5 यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, सो 25 - 5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, सो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे, सो 25 - 5 डिवाइडेड बाय 4, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 - 5/4, ये कितना आ जाएगा 95/4, सो दोनों को डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2.375, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, x बाई वाई की वैल्यू क्या है 4/5, हमने फाइंड क्या करनी है दिस वन, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, सो इजी वे क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की, सो x की वैल्यू आप लोगों ने एज्यूम कर लेनी है 4 और y की वैल्यू आप लोगों ने एज्यूम कर लेनी है 5, क्लियर है। सो ये x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है आप लोगों ने, सो क्या है 4/7 + 2, y की वैल्यू क्या है 5 माइनस x की वैल्यू क्या है 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 प्लस x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, क्लियर है। सो 4/7 + 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा -4, और 5 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 + 4 आ जाएगा, सो आगे क्या आ जाएगा 4/7 + 10 - 4 कितना आ जाएगा 6, 10 + 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 14, इसको मिनिमाइज करोगे 2 के टेबल पे 3 आ जाएगा और ये 2 के टेबल पे 7 आ जाएगा, क्लियर है। सो हमारे पास क्या आ गया 4/7 - 3/7, सो डिनोमिनेटर पार्ट क्या है यहाँ पे सेम है, 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, 7/7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है गाइस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ट्रिक कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है कि इस क्वेश्चंस को हम नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, नीचे से हम इस क्वेश्चन को करना सॉल्व करेंगे। सो कैसे करेंगे हम इसको, पहले हम नीचे से एलसीएम लेना स्टार्ट करेंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 9 बाय 4 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, सो यहाँ पे 9 बाय 4 आ जाएगा, इसके ऊपर क्या है 3 प्लस 1, नीचे क्या आएगा 9 बाय 4। सो ये जो नीचे 4 है ये क्या जाएगा यहाँ पे ऊपर जाएगा। क्लियर है गाइस? सो 3 प्लस 4 नीचे क्या है यहाँ पे 9। सो अभी इसको फिर एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 27 प्लस 4 कितना आ जाएगा 31 बाय 9। ठीक है गाइस? सो अभी हमने यहाँ तक क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 31 बाय 9। सो ये 9 है जो ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 9 बाय 31। सो 31 यहाँ पे अगेन एलसीएम जाएगा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा 4 माइनस 5, 31 प्लस 9 कितना आ जाएगा 40, और जो ये नीचे 31 है ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है गाइस? सो 5 से 40 कैंसिल 8 पे। सो अगेन आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 32 माइनस 31 कितना आ जाएगा 1, और नीचे क्या बच जाएगा 8, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस? अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं सो हमने उनको नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना और हौली हौली हम ऊपर की ओर मूव करते रहेंगे। ठीक है, सो लास्ट में हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। क्लियर है गाइस? सो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करने हैं, जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें हमने एक्स की वैल्यू पता करनी है। सो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, नीचे से स्टार्ट करेंगे दिस वन। ठीक है, सो यहाँ पे एलसीएम जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स प्लस कितना यहाँ पे एक्स, सो नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। सो एक्स प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स ये। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी, सो कितना आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 1। सो अभी ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे आगे क्या आएगा 2x, सो 1 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। सो 2 माइनस एक्स डिवाइड में उस साइड किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ही आ जाएगा। सो यहाँ पे जो माइनस एक्स है ये सेड प्लस में आएगा, सो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो 2x प्लस एक्स कितना होगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, सो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड किस में जाएगा डिवाइड में। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बाय 3, ये हमारा क्या आ जाएगा गाइस आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की वीडियो। ठीक है गाइस, सो इसी के साथ सिंप्लीफिकेशन का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। थर्ड पार्ट में हम एसएससी में जो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है गाइस? देखेंगे कैसे हम उसको कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।